अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मुझे जाना है मछली मंडी में, आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे मछली कैसे मंडी में आती है और कैसे खरीदी जाती है, कौन कौन सी मछली है, किस किस तरीके से ये रखते हैं और सेल कैसे करते हैं। और अभी जो बाहर का मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बारिश का मौसम है, पहाड़ जो है बादलों में छुपे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो चले मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है। इस पार्किंग की टिकट ले ली है, अब गाड़ी खड़ी करेंगे और पहुंच गए हम अपनी मछली मंडी में। यहाँ से गाड़ी खड़ी करके मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे मछली सेल होती है और कौन सी मछली मैंने बाय कर। तो गाइस ये है वो जगह, ये मछली का बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, सारी वही जगह जहाँ पर मछली आती हैं और ये इनकी पार्किंग है। और मैं अंदर का सीन दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है अंदर से मंडी, इस तरह के फूड इन्होंने रखे, सारी मछली है छोटी छोटी, ये जो काट के रखी हुई है। इस मछली की प्राइस है 1350 रुपये। इस तरह बनी हुई है जगह, ये सब कट करके इस तरह रखी हुई है। ये मछली के अंडे 1400 रुपये के, ये मागुरो इसे बोलते हैं जापानीज में, और ये है ट्यूना मछली। छोटी सी जगह अंदर, यहाँ पर सिर्फ मछली सेल होती है। जो दूसरी जगह है इसके साथ वाली बिल्डिंग है, वहाँ पे खाने वगैरह मिलते हैं। तो गाइस ये ड्राई मछली है, इसे खत्सो बोलते हैं, ये ड्राई मछली है, इन्होंने काट कर ड्राई की होती है। और ये छोटे छोटे पीस हैं, इनको फ्राई करके खाते हैं। ये फ्रीज हुई मछली, ये जो एक पीस है ये सिर्फ 1200 रुपये। ये गाइस चीज़ है, ये मूंगफली के पैकेट हैं, यहाँ पे इस तरह 680 रुपये का एक पैकेट है। ये भी मछली है, ये ड्राई फ्रूट है, ये जो उनके होते हैं पापड़ वगैरह जिन्हें बोलते हैं, ये सब इस तरह करते हैं। ये भी ड्राई मछली है, ये मूंगफली है जो कि जिसके छिलके उतरे होते हैं। ये इसके अंदर जूस वाली मशीन लगाई हुई है, इसके अंदर पैसे डालें, एक के जो जूस है ये 100 रुपये का, कोल्ड इसके अंदर होट नहीं है, सारे कोल्ड ही। तो गाइस मैं अभी मार्केट से बाहर आया हूँ, ये बिल्कुल मार्केट है जहाँ से अभी मछलियाँ भी देख रहे थे, और ये इसके साथ ही बिल्कुल समंदर है। इस तरह यहाँ पर आती हैं कश्तियाँ जो मछलियाँ लेके आती हैं, सब कश्तियाँ खड़ी हैं। और यहाँ से सुबह सुबह माल आता है, जो सुबह सुबह जल्दी आते हैं वो फ्रेश माल लेके जाते हैं। तो गाइस ये जापानीज़ फूड, ये सब आर्टिफिशियल है, आपको इस तरह की चीज़ अंदर से मिल जाएगी, ये सब मछली के फूल हैं। इधर इस तरह दुकानें बनी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ से खाने के लिए मिल सकती हैं। अलग अलग दुकानें, अलग अलग मेन्यू है, हर चीज़ का अपना टेस्ट है। यहाँ पे कुछ फ्राई भी मिलती हैं, ये सब जो इन्होंने वो उबली हुई मछलियाँ जो इस टाइप के खाने इनके। तो गाइस जो मैंने लेनी थी मुझे वो मछली तो मिली नहीं है, अब मैं यहाँ इस मार्केट से निकल के मैंने जाना है दूसरी जगह पे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ।
मैंने गाड़ी खड़ी की ये उसके अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर खड़ी किया, ऊपर मेरा स्टेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का स्टेशन कैसा है। और मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से सबवे का बर्गर मिलते हैं वो खा लूँ। तो गाइस ये है सबवे, ये साथ ही बिल्कुल स्टेशन है, ये सारा स्टेशन का एरिया है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और ये टैक्सी स्टैंड है, और ये पुलिस स्टेशन जो कि हर स्टेशन के बिल्कुल साथ होता है। तो पहले मैं सोचा था कि मैं सबवे खा लूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको यहाँ के अंडरग्राउंड की मार्केट दिखाता हूँ कि यहाँ पे अंडरग्राउंड की मार्केट जो वो कितनी खूबसूरत है। ये सब ऊपर मार्केट एरिया है, यहाँ पर अपार्टमेंट वगैरह लोग रहते हैं, मतलब कि मेन सिटी जिसे बोलते हैं, ये शिज़ुओका मेन सिटी है। तो मैं आपको इसकी अंडरग्राउंड की मार्केट सारी दिखाता हूँ। तो गाइस ये जगह नीचे जाती है अंडरग्राउंड की तरफ, यहाँ पे नीचे मार्केट वगैरह, और ये सारी शहर को जो है नीचे बेसमेंट समझ लेके बनी हुई है, तो ये सारे शहर को नीचे से लगती है क्योंकि ऊपर से आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो हर जगह पे आप जा सकते हैं, स्टेशन के अंदर वगैरह, दूसरी तीसरी जगह पे, यहाँ पे अंदर नीचे फूड मार्केट है, वो मैं आपको सारी दिखाता हूँ। ये स्टेशन की तरफ जाती है ये जगह, ये साइड स्टेशन की तरफ जाती है और ये मार्केट की तरफ जाती है। ये अंडरग्राउंड मार्केट है, ये चॉकलेट की शॉप है, फ्रूट वगैरह चॉकलेट, जैसे आपको हर खाने की चीज़ मिलेगी अलग अलग पैकिंग में, गिफ्ट वगैरह के लिए जो भी आप लेना चाहते हैं। इन्होंने इनके लंच बॉक्स हैं जो कि आप स्टेशन में गाड़ी में ट्रेन में बैठे हुए खा सकते हैं। ये जैपनीज़ खाने हैं, जिस तरह की हमारी मिठाई होती है और इनके इस तरह के ये मिठाई टाइप की इन्होंने बनाया हुआ है, केक वगैरह। और ये सब्ज़ी की मार्केट है, अंदर ही शॉप बनी हुई है, यहाँ पे आप सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले सकते हैं। ये मिनी टमाटर, ये बड़े टमाटर अलग अलग से, ये जो टमाटर का पैकेट है ये 600 रुपये का है, ये 780 रुपये का है। अलग अलग प्राइस में अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ये तो हमें 1080 रुपये का ये पैकेट। जापान इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये अंडे वगैरह हर चीज़ यहाँ से आप कैसे मिलेगी। तो ये गोश्त वगैरह, बीफ वगैरह, दूसरा गोश्त भी यहाँ से ऐसे मिलेगा। तो गाइस ये चिकन रखा हुआ इन्होंने, और ये कीमा जो होता है। और गाइस ये अंगूर हैं, अलग अलग किस्मों के अंगूर हैं, 2160 रुपये का एक पैकेट। ये नाशपाती है, और ये आलू 1280 रुपये का ये पैकेट है, दो हैं जिसके अंदर। और ये फ्रूट की जिस तरह हम पेटी बनाई होती है उन्होंने, अलग अलग फ्रूट हैं। और ये जो सिर्फ और सिर्फ खरबूजे हैं, ये 12960 रुपये का पैकेट, मतलब पाकिस्तानी 15000 रुपये का खरबूजा जो आपको ये दो खरबूजे मिलते हैं। और ये जो है ये 10800 रुपये का, और पाकिस्तानी इससे बनता है 13000 रुपये का जो खरबूजे का। और जो दवाना है वो ये 2000 रुपये का एक दवाना। इनके फ्रूट और खाने पीने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, मगर तो गाड़ियाँ वगैरह जो दूसरी तीसरी चीज़ें आपको सस्ती भी मिल जाती हैं, इनकी नहीं सस्ती मिलती। जैसे कि आप ये मिक्स फ्रूट का पैकेट लेंगे, ये आपको 300 रुपये में मिल रहा है। अगर आपने गिफ्ट वगैरह के लिए लेना तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। और जैसे कि ये छलियाँ लगी हैं, तो 3 छलियाँ जो हैं 600 रुपये की। इस तरह खाने पीने वाली चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। जापान इस चीज़ के मामले में बहुत ज़्यादा महंगा है, तो अखराजात भी फिर उसके मुताबिक है यहाँ पे। तो अगर कमाई है यहाँ की तो यहाँ पे अखराजात भी बहुत ज़्यादा। अगर लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जापान में कमाई बहुत ज़्यादा है मगर अखराजात जो है वो कम हो गए, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। अगर कमाई 3 लाख रुपये 1% की महीने की, तो उसके अंदर अखराजात उसके इतने महंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर उसको बचता भी है महीने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 बच जाएगा, 60 बच जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं वो बचा सकते। और ये दूसरा कॉर्नर है, यहाँ से ब्रेड वगैरह आपको खाने के लिए मिल जाएगी, फ्रेश ब्रेड मिलती है आपको यहाँ से। इस तरह इनके रेट साथ में लिखे हुए हैं, साथ में ये भी लिखा है इसका चीज़ का फ्लेवर, इस चीज़ का क्या फ्लेवर है। जैसे कि ये ब्रेड है लदा लदा,
बक्सर में शक्करकंद ही खाते हैं, इधर इस तरह की मिलती है आपको। ये 1900 रुपये की शक्करकंद है, 1944 रुपये। गाइस एक ये खाने के लिए, और ये सारा जेली वगैरह, ये केक वगैरह जो कस्टर्ड केक होते हैं, अलग अलग फ्लेवर में आपको यहाँ से मिलता है। इस तरह ये आपको गिफ्ट पैक में मिल जाएंगे, एक मिलेगा 2160 रुपये। तो गाइस ये है सारा स्टेशन के अंदर, अभी मैं स्टेशन के अंदर आ गया हूँ। ये वो नीचे रास्ता जो मार्केट से इधर की तरफ आता है, और ये अभी सारा स्टेशन, स्टेशन अंदर से इस तरह का है। तो स्टेशन के अंदर भी बाजार बने हुए हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह, मसल के आपको दुनिया की हर चीज़ स्टेशन के अंदर से भी मिल जाएगी, किसी भी टाइम आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर वहाँ पर ट्रेन चलती है, वो ट्रेन की एंट्री अंदर जाने की, यहाँ से टिकट बाय करनी है और बाय करके वहाँ से अंदर आपको जाना। तो यहाँ पर भी इस तरह मार्केटें बनी हुई हैं, खाने पीने वाली या दूसरी किसी चीज़ें आपको यहाँ से एनी टाइम, किसी भी टाइम आपको मिल जाएंगी। इस शॉप से ऐसे खाने मिलते हैं जो इटालियन फूड वगैरह, पास्ता वगैरह, वो इन्होंने जैपनीज टाइप का बना के ये यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, ये सब आर्टिफिशियल है। तो गाइस इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आप सारी मार्केट अंडरग्राउंड से घूमकर वापस उसी जगह पर आ सकते हैं जहाँ से मैं अभी निकल के गया था। आगे मैं यहाँ से शुरू हुआ था और सारा घूम के वापस दोबारा यहाँ पर आया। ये सब अब मैं लूँगा, सब लेकर गाड़ी में वापस चलेंगे। फिर मुझे जाना है एक स्टोर पे, वहाँ पे स्टोर पे चलकर मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो अगर आपको ये जगह अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइस ये मोमो सैंडविच, एक है एग सैंडविच है, दूसरा ये श्रिंप सैंडविच है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं देखा, शाम हो गई तो इसलिए मैंने दौड़ लिया। तो गाइस खाना मैंने खा लिया, पेट मेरा भर गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलेंगे नेक्स्ट जगह पे, तो वहाँ पे मुझे देखनी कैमरे वगैरह के लिए कुछ चीज़ें या कंप्यूटर वगैरह के लिए, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी ये है बाहर का सीन, अभी मैं आया हूँ खोजिमा शॉपिंग सेंटर में। यहाँ से आपको किसी भी टाइप की घर की चीज़ें या फ्रिज, मोबाइल, किसी भी टाइप की आपको जो घर में इस्तेमाल होती है, कैमरा वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, आपको इसी शॉपिंग मॉल से मिलता है। तो मैं वो देखने के लिए आया हूँ, तो चले अंदर का सीन देखते हैं। लो जी आ गए अंदर, शॉपिंग मॉल कुछ अंदर से इस तरह का। ये कॉफ़ी बनाने वाली मशीन वगैरह, ये पानी गर्म करने वाले हॉट पॉट जिसे बोलते हैं, ये कुकर चावल बनाने वाले, ये टीवी कॉर्नर है, इस तरह के टीवी यहाँ से मिलते हैं। तो जी ये टीवी है बड़ा, इसका ये रिज़ल्ट है, तो इसकी प्राइस है 2,18,000, जो कि अभी सेल में लगा हुआ है। अगर इसकी एक्चुअल प्राइस हो तो वो कितनी की, 2,75,000 रुपये की, जो इसकी नॉर्मल प्राइस है, अभी सेल में इसलिए सस्ता है। और ये कंप्यूटर का सेक्शन, लैपटॉप वगैरह, यहाँ से आप अपनी पसंद का लैपटॉप देख के चेक करके फिर उसको बाय कर सकते हैं। ये एप्पल स्टोर, सब आईफोन पड़े हुए चेक करने के लिए, ये एप्पल वॉचेस, ये लैपटॉप वगैरह, ये एप्पल का लैपटॉप जो मेरे पास है जिस पे मैं एडिटिंग करता हूँ। और ये कैमरा सेक्शन, ये कैमरा की स्टैंड वगैरह, ये ड्रोन, ये 5,66,000 का टीवी है, और ये जो है बड़ा टीवी है, 15,80,000 रुपये का टीवी, 80 इंच का टीवी है। और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा कमाल पे है, आई थिंक कैमरे में वो चीज़ नहीं आपको महसूस होगी जो मुझे इधर रियलिटी में महसूस हो रही है। और इसके साथ भी है, ये भी बड़ा टीवी है, इसकी प्राइस है 5,76,800 रुपये, मगर इस ये कंपनी ज़्यादा बेहतर है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी, एक्सपेंसिव है। और हाँ, आपको रिमोट वगैरह भी यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपने कोई घुमा लिया था। तो गाइस ये 2020 का जो इस साल होना था ओलंपिक्स, जो अभी कैंसिल कर दिया हुआ कोरोना की वजह से, ये उसके सामान है कि आप उसके ओलंपिक्स के कपड़े वगैरह,
या इनकी जो एनिमेशन वगैरह जो इन्होंने बनाए हुए चीज़ें सब के ऊपर लिखा हुआ 2020 ओलंपिक्स वगैरह के। और सबसे जो मेन चीज़ है ये जापानीज कल्चर के कपड़े जो लेडीज़ के, पर वो देखने में इस तरह के लगते हैं। और ये मेले वगैरह पे जहाँ यहाँ पे मेले वगैरह होते हैं या कोई इस तरह का फंक्शन होता है तब ये पहने जाते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो गाइज़ अभी मैं शॉपिंग मॉल से आ गया हूँ, बाहर जो मुझे चाहिए थे एक दो चीज़ें मैंने वो ले ली हैं, लेकर गाड़ी में रख दी हैं। और आज की वीडियो का मैं करूँगा यहाँ पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह आपको मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।